तो हम ग्रासेस ड्रॉ करने के बाद हम इस पे एक दो ट्रीज को बना देंगे। होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे। आपको ब्रांचेस के बारे में और ट्री के बारे में हम जो लास्ट क्लासेस थे उस पर सीखा था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कि आपको पता है कि ट्री अलग अलग शेप्स का होता है और आप किसी भी साइज और आपके हिसाब से आपका जो पर्सपेक्टिव है उसके मदद से आप किसी भी पर्सपेक्टिव से आप बना सकते हैं ट्री को। तो हम पहले एक लाइट सा स्केच देंगे ट्री को, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे डार्क से। तो एक और ट्री को ड्रॉ करेंगे। आपको चाहिए तो आप इधर भी एक छोटा सा बना सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रीज था वो कंप्लीट हो चुके हैं, चारों ट्रीज कंप्लीट हो चुके हैं और पूरा सही तरीके से आ चुका है इधर ऑलरेडी। तो ट्री बनाने के बाद इसका जो शेडो होता है पानी भी गिरते रहते हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल्स नहीं पूरा और इसके बाद हम इसको ब्लेंड भी कर देंगे ताकि वो पानी पे है तो पूरा कपड़ा परफेक्ट से नहीं दिखते रहते, तो हम इसको ब्लेंड कर देंगे।
इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा पानी का इफेक्ट देंगे। तो पहले जो हमने कॉटन पेपर से किया था शेडिंग, उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा और ब्लैकिश कर देंगे ताकि वो पानी का जो इफेक्ट होता है वो इधर मिल सके। तो हम इस पर पानी बना देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इससे जो पानी का इफेक्ट होता है तो उसको हम कर लेंगे। हम इसको शेड कर लेंगे। तो हम इस पर थोड़ा सा इरेजर को यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा व्हाइट इफेक्ट जो पानी पे रहता है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो होता है ये हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। हम डार्क स्लेट ऐसे कर देंगे कि थोड़ा सा डार्क करेंगे, उसको हम ब्लेंड करके उसको वैनिश कर देंगे ताकि हमारा ड्राइंग परफेक्ट से आ जाए। जो हमारा स्काई का पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा इधर। तो हम उसको वैनिश करने के लिए कॉटन क्लॉथ यूज करके तो हमारा जो इधर लैंडस्केप था वो कंप्लीट हो चुका है पूरा डिटेल के साथ। तो आप डिटेल से और एक बार वीडियो देख के आप कर सकते हो, इजी, बहुत ही इजी है। आपको किसी भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और आप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो अकाउंट है वो लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सको ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं डे 19 के साथ, तब तक सेफ रहे, खुश रहे, धन्यवाद गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।